जिला में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले दर्ज हुए हैं। ये दोनों मामले भोरंज और हमीरपुर क्षेत्र से हैं। इन 5 मामलों के सामने आने के बाद जिला में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 250 हो गया है, जबकि एक्टिव केस 87 हो गए हैं। कोरोना बीमारी को मात देकर स्वस्थ होने वालों की बात करें तो अब तक 161 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं। इनके अलावा जिले में अब तक सरकारी रिकॉर्ड में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक मौत मंगलवार को ही नेरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी में एक बुजुर्ग महिला की हुई, जो कि सुजानपुर उपमंडल से ताल्लुक रखती थी। जानकारी के अनुसार मंगलवार को जो 2 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उनमें एक मामला उपमंडल भोरंज के तहत पड़ने वाले शेर महल का है। गुरुग्राम से लौटा ये 40 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हालांकि इसे संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। वहीं दूसरा मामला उपमंडल हमीरपुर के तहत पड़ने वाले शासन झनियारी क्षेत्र का है। इस व्यक्ति की ट्रेवल हिस्ट्री गाजियाबाद की रही है, हालांकि इसे होम क्वारंटाइन किया गया था। ऐसे में अब जिला प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार शासन का क्षेत्र सील किया जा रहा है। पॉजिटिव आए दोनों मरीजों को जिला कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को हमीरपुर में 17 कोरोना मरीज एक साथ ठीक हुए हैं। जिला कोविड केयर सेंटर से इनके फॉलो अप सैंपल लिए गए थे। फॉलो अप सैंपल की रिपोर्ट आने के उपरांत इन्हें गृह संगरोध में भेजा गया है।